जब आप करते हैं आपके सीसीटीवी कैमरा को इंस्टॉल, तो क्यों करते हैं वो? इसलिए करते हैं क्योंकि उसके जो डेटा होते हैं, उसकी जो फुटेज होती है, वो सेव रह पाए और जब आपको ज़रूरत पड़े तब उस डिटेल्स को, उन फुटेज को आप देख पाए। इसमें सबसे बड़ा रोल होता है हार्ड ड्राइव का। कौन सी हार्ड ड्राइव आप सेलेक्ट करें? बहुत सारी मैक्स हैं, बहुत सारी ब्रांड्स हैं, राइट, और बहुत सारी टाइप्स होती है हार्ड ड्राइव्स के अंदर, ब्लू, पर्पल, सर्विलेंस, नॉन सर्विलेंस, क्या होता है ये सब, कौन सी हार्ड ड्राइव आपको सेलेक्ट करनी चाहिए, आज इसी बारे में है मेरा एक पूरा आज का वीडियो। मेरा नाम है भरत जैन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल भरत जैन। अगर आपको हमारा ये आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर और पसंद आए तो उसको लाइक कर लीजिए और हो सके तो उसको शेयर भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे आज का ये वीडियो। जब भी आप तैयार करते हैं एक BOQ में आप लेते हैं, आप DVR लेते हैं, आप कैमराज लेते हैं और उसके साथ में आप एक जगह रखते हैं हार्ड ड्राइव के लिए, 1 TB, 2 TB, 3 TB, 4 TB and then 6 TB। तो ये जो हार्ड ड्राइव होती हैं जब आप मार्केट से परचेज करते हैं तो आपके पास में होते हैं करीबन बहुत सारे ऑप्शंस, जैसे कि आप ब्रांड के हिसाब से चलें तो WD आता है, Seagate आता है, Hitachi आता है एंड देन आफ्टर Toshiba आता है। ये जो चार ब्रांड है मार्केट में सबसे ज़्यादा चलती हैं। अगर उन ब्रांड के अंदर अगर मैं बात करूँ तो उसमें आती है कुछ टाइप्स। आपने देखा होगा कई बार कि जो WD की अगर हार्ड ड्राइव की बात करें तो उसके अंदर एक हार्ड ड्राइव आती है पर्पल, एक हार्ड ड्राइव आती है ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, रेड और इस टाइप की बहुत सारी कैटेगरीज होती है हार्ड ड्राइव की। तो ये जो हार्ड ड्राइव होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हो। हर एक हार्ड ड्राइव स्पेसिफिक कोई रीजन के हिसाब से बनाई होती है। आपका जो स्पेसिफिक रीजन है ना कि आप क्या करना चाहते हो उस हार्ड ड्राइव के साथ में, इस बेस पर आपको सेलेक्ट करनी चाहिए आपकी हार्ड ड्राइव। हम बात कर रहे हैं ओनली सेफ्टी और सिक्योरिटी बिजनेस में, सीसीटीवी कैमरास के बिजनेस में हमको करना होता है हमारा डेटा स्टोरेज, यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा डेटा होता है राइट। दूसरी बात, सीसीटीवी कैमरास 24 आवर्स चलते हैं, 365 डेज, उनके लिए कोई रेस्ट नहीं है। तो हमारी जो भी डिवाइस हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे हमारा DVR हो, चाहे वो हार्ड ड्राइव हो, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि अगर उसको 24 घंटे 365 दिन चलाएं तो उसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रह पाए। और प्लस जो एक और चीज़ होती है वो होती है उसके अंदर रिकॉर्ड, यानी कि वो जो डेटा होते हैं, चाहे हम IP कैमरा लगा रहे हैं या एनालॉग लगा रहे हैं, एक लार्ज क्वांटिटी में, एक ह्यूज अमाउंट के अंदर कुछ डेटा आते हैं और उसको कंटिन्यू राइट करना पड़ता है उस हार्ड ड्राइव को। चलिए अगर हम बात करते हैं अभी रेगुलर हार्ड ड्राइव के बारे में, समझ लीजिए कि आप सर्विलेंस हार्ड ड्राइव यूज़ नहीं कर रहे हो, उसकी जगह पर आप एक रेगुलर हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो, ब्लू या फिर ग्रीन या फिर ऐसी कोई हार्ड ड्राइव यूज़ कर रहे हो। तो क्या होता है एट दैट टाइम पर कि एक तो वो जो हार्ड ड्राइव बनाई गई है, जो डेस्कटॉप हार्ड ड्राइव हैं, जो ब्लू हार्ड ड्राइव्स हैं, वो बनाई गई है कंप्यूटर के लिए। आपका कंप्यूटर कितना घंटे चलता है बात करते हैं तो एक कंप्यूटर मोस्ट ऑफली हम चलाते हैं 8 घंटे, 10 घंटे या 12 घंटे, इससे ज़्यादा वो चलाते नहीं हैं, ठीक है। तो हार्ड ड्राइव की कैपेसिटी उतनी ही होती है। दूसरी चीज़ आती है कि जो हमारा कंप्यूटर होता है उसको दोनों काम करने पड़ते हैं। दोनों काम मतलब यहाँ पर राइटिंग बहुत कम होता है, मतलब कुछ भी चीज़ डाउनलोड कम होगी, वहाँ पर रीडिंग सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वहाँ पर उसकी रीडिंग कैपेसिटी ज़्यादा रहती है, राइटिंग कैपेसिटी कम होती है। तीसरी चीज़, आपने एक चीज़ ज़रूर ऑब्जर्व की होगी, कई बार जब आप रेगुलर हार्ड ड्राइव का इस्तेमाल आप आपके सीसीटीवी सिस्टम्स के अंदर करते हैं तो हार्ड ड्राइव के फेल होने के चांसेस बढ़ते हैं, एज वेल एज जब आप प्लेबैक देखते हैं तो प्लेबैक में कई सारे डेटा मिस होते हैं या फिर वो कुछ अटकते अटकते हुए आता है। तो ये जो कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आती है, या तो हार्ड ड्राइव बहुत जल्दी क्रैश हो जाती है, फेल हो जाती है, या फिर आप जब प्लेबैक देखते हो तो प्लेबैक प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, जो डेटा है वो कहीं ना कहीं मिस है या फिर कुछ जस्ट सेकेंड का कुछ छूट रहा है, वो ऐसा होने के पीछे का रीजन ना तो हमारा NVR, ना हमारा DVR होता है, ना हमारा कैमरा होता है, एग्जैक्टली वो होता है हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव के अंदर ही कुछ ऐसा होता है कि वो डेटा मिस हो जाते हैं और हमें प्रॉपर फुटेज नहीं मिलती है। तो ये रीजन है जिस वजह से हमें
रेगुलर हार्ड ड्राइव यूज ना करके या फिर कोई और हार्ड ड्राइव यूज ना करके स्पेसिफिक जो इस सीसीटीवी सिस्टम सर्विलेंस सिस्टम के लिए बनाई गई है उन्हीं हार्ड ड्राइव को यूज करना चाहिए। और इसके लिए अलग से हार्ड ड्राइव आती है। WD की बात करें तो उसके अंदर पर्पल हार्ड ड्राइव होती है जो स्पेसिफिक सर्विलेंस के लिए बनाई गई है। उसका पूरा ध्यान उस हार्ड ड्राइव को बनाने के पीछे का पूरा कंसंट्रेशन सिर्फ एक ही चीज होती है कि मैक्सिमम उसकी स्पीड रखी जाए राइटिंग के ऊपर, राइट। और 24 आवर 365 डेज भी अगर वो हार्ड ड्राइव चले तो उस हार्ड ड्राइव के अंदर प्रॉब्लम ना आए। ऐसे ही जो दूसरी कंपनीज है, सीगेट है, तोशिबा है या फिर हिताची है, वो लोग भी अपने अपने फील्ड में सर्विलेंस के लिए स्पेसिफिक हार्ड ड्राइव बनाते हैं। तो जब भी आप अपने कैमरा सिस्टम को डिजाइन करते हैं उस टाइम पर एक अच्छे DVR के साथ, एक अच्छे कैमरे के साथ में हार्ड ड्राइव भी राइट होनी चाहिए, तो ही आपको वो जो रिजल्ट होता है, जो उसकी फुटेज होती है, उसके अंदर परफेक्ट डेटा आपको मिल पाएगा, या फिर वो जो हार्ड ड्राइव है वो फ्यूचर में जाके बहुत जल्दी क्रैश नहीं होगी, आपके डेटा लॉन्ग टाइम तक सेव रहेंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि जब भी आप सीसीटीवी कैमरे का सिलेक्शन करो तो उसके अंदर एक राइट हार्ड ड्राइव, चाहे आप WD की लो, चाहे आप सीगेट की लो, चाहे आप हिताची की लो, चाहे आप तोशिबा की हार्ड ड्राइव लो, आप चारों कंपनी में से कोई भी हार्ड ड्राइव ले सकते हैं, लेकिन हार्ड ड्राइव सर्विलेंस होनी चाहिए। अगर सर्विलेंस हार्ड ड्राइव होगी तो आपका काम बहुत ईजी होगा, हमारे क्लाइंट काफी हैप्पी रहेंगे, आप काफी हैप्पी रहोगे, क्योंकि डेटा का लॉस नहीं होगा। जिस चीज के लिए वो क्लाइंट या फिर हम हमारे सिस्टम को लगवा रहे हैं वो होता है जब भी हमें जरूरत पड़े हम डेटा को देख पाए, लेकिन सब जब जरूरत पड़ेगी हमको उस डेटा को देखने के लिए अगर वो हार्ड ड्राइव क्रैश होगी तो वो डेटा हमारे लिए कोई काम का नहीं है, उतनी मेहनत हमारे लिए कोई काम की नहीं है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा मेरा ये वीडियो आपको, प्लीज मुझे इस कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको लगे कि आपके पास में ऐसा कोई टॉपिक है या फिर जिसके ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं, प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अगर आपको आज का हमारा ये जो वीडियो है वो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन, आपके लाइक, आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं कुछ नया बनाने में, कुछ नए वीडियोस बनाने के लिए। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी फैमिली बड़ी होती जा रही है, बहुत सारे सब्सक्राइबर आ रहे हैं, बहुत सारे व्यूज आ रहे हैं उसके लिए, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।